हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, वर्किंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रथम यूनिट का अंतिम अध्याय है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अधिकांश कारक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वंशानुक्रम और वातावरण वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन क्योंकि आपके यूनिट में दे रखा है इसको अलग से, तो हम इसको पुनः डिस्कस करेंगे। जो कुछ नया मैं ऐड कर सकूंगी ज़रूर करूंगी। मैंने जैसे पहले बताया था आप लोगों को कि बाल विकास पर जो कारक प्रभावित करते हैं उनको हम 5 श्रेणी में बाँट सकते हैं। अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारकों, अनुवांशिकी के विषय में हम बहुत विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कैसे गुणसूत्र और गुणसूत्र के ऊपर अवस्थित जीन्स के माध्यम से हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण, वंशानुगत गुण ट्रांसफ़र होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, और वही हमारे विकास की आरंभिक रूपरेखा तैयार करते हैं, और फिर उसके ऊपर हमें जैसा वातावरण मिलता है हमारा उसी प्रकार से विकास होता है। दूसरी श्रेणी के जो कारक हैं, गैर अनुवांशिक जैविकीय कारक, इसमें मैंने पहले आपको बताया था जन्म पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं आपको जो बताऊंगी बच्चों, वो हमारे जन्म लेने के बाद में कौन कौन से कारक कैसे प्रभावित करते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरे होते हैं बालक के सीखने के अनुभव, वो कैसे सीखता है, उसको कैसे अनुभव मिलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका आसपास का वातावरण, जिसमें उसका परिवार, स्कूल और जिसके भी वो प्रत्यक्ष संपर्क में आता है बालक, वो सब इस वातावरण का हिस्सा होंगे। और अंतिम जो कारक हैं उनको हम सामाजिक और सांस्कृतिक समूह में रख सकते हैं। सबसे पहले अनुवांशिकता, अनुवांशिकता से हम अनुवांशिकी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे शारीरिक गुण सबसे ज़्यादा अनुवांशिकी से प्रभावित होते हैं। हमारी लंबाई, हमारा वजन, त्वचा का रंग, त्वचा की क्वालिटी, हमारे बालों की क्वालिटी, हमारी एथलेटिक क्षमता और हमारी आँखों का रंग वगैरह वगैरह जो होते हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो अनुवांशिकी से प्रभावित होते हैं। हमारे चेहरे की बनावट, हम कैसे दिखते हैं, ये सब अनुवांशिकी से प्रभावित होते हैं, और इस बनावट के ऊपर वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। बस इतना होता है बच्चों कि अगर बनावट में तो नहीं होता, जैसे लंबाई, वजन वगैरह जो होते हैं, ये हमारे वातावरणीय कारक, उनको अगर उचित पोषण मिलता है, उचित व्यायाम का अवसर मिलता है, तो हमारे अनुवांशिकी ने हमें जितना दिया है हम उतना विकास कर पाएंगे। ये हम विकास के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। बौद्धिक क्षमता, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जुड़वां बालकों के अध्ययन से सिद्ध हुआ है, बहुत सारे अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि बौद्धिकता या बौद्धिक क्षमता के ऊपर अनुवांशिकी का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। और क्योंकि माता पिता में और संबंधियों में के जो बुद्धि लब्धि के जो स्कोर आए थे उसके अंदर काफ़ी निकट सहसंबंध पाया गया था, काफ़ी अधिक सहसंबंध पाया गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि अनुवांशिकी का प्रभाव बुद्धि बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है। फिर हमारी व्यक्तित्व से संबंधित कुछ विशेषताएं जो होती हैं उन पर भी हमारे अनुवांशिकी का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व से संबंधित अधिकतर जो क्षमता हमारे होते हैं फैक्टर्स, उन पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन अनुवांशिकी का महत्व भी होता है, विशेष रूप से हमारे टेम्परामेंट पे। टेम्परामेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी तैश में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी उद्वेदित हो जाते हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर रहते हैं। तो ये अनुवांशिकी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस पर निर्भर करता है काफ़ी कुछ। लोग बहिर्मुखी होंगे, सबसे मिलने जुलने वाले होंगे, या अंतर्मुखी होंगे, ये भी अनुवांशिकी से प्रभावित होता है। लोगों का शर्मीलापन, कुछ रोग,
कुछ चिंता करने की आदत, ये सब भी अनुवांशिकी से प्रभावित होती है। इसी तरह से मद्यपान जो है तो व्यवहारात्मक समस्या, लेकिन इस पर अनुवांशिकी का प्रभाव काफ़ी देखा गया है कि जो जो व्यक्ति बहुत मद्यपान करता है उसके बालक में भी वो प्रवृत्ति रहती है कि वो मद्यपान की ओर आसानी से आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अगर उचित वातावरण मिले और वो नियंत्रण करना चाहे तो उसे नियंत्रित कर भी सकता है। अगला जो हमारा कारक है वो है गैर आनुवंशिक जैविकीय कारक। गैर आनुवंशिक जैविकीय कारक में सबसे महत्वपूर्ण है पोषण। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में जन्म से पहले पोषण कैसे प्रभावित करता है गर्भस्थ शिशु को ये पढ़ाया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जन्म के बाद बालक जो पोषण लेगा, उसको जिस तरह का पोषण मिलेगा वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, वही उसके विकास को प्रभावित करेगा। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रिया होती हैं जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। पहली तो होती है शरीर के अंदर निर्माण हो रहा है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, कोशिकाओं का गुणन हो रहा है, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर निरंतर विघटन भी होता रहता है, पुरानी चीज़ें घटती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं, तो उनकी जगह नए का निर्माण होगा। तो इन सारी प्रक्रिया के लिए हमें उचित पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषण से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी से हमारी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और कुपोषण होगा तो निश्चित रूप से विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने देखे हैं जो कुपोषित बालक होते हैं उनकी लंबाई भी पूरी नहीं हो पाती है विकसित, उनका वजन भी कम रहता है। और अगर किसी पोषक तत्व विशेष की कमी है उनके शरीर में तो उससे संबंधित रोग रोग हो सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी का रोग हो सकता है, या उसकी नेत्र ज्योति हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। कैल्शियम की कमी होगी तो अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों। तो ऐसे बेटा हर पोषक तत्व का इतना महत्व है, तो संतुलित और उचित पोषण होने पर ही हमारा सामान्य विकास हो पाएगा। और दूसरी तरफ ये भी, अधिक भोजन करने से क्या होगा, अधिक आवश्यकता से अधिक भोजन करने से मोटापा होता है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और मोटापा और बहुत सी बीमारियों का घर है। तो अगर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करेगा, बहुत संपन्न वर्ग के लोग हैं, बहुत खाने के शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं, तो निरंतर भोजन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का वजन बढ़ जाएगा, मोटापा होगा, मोटापे के साथ उनको हृदय रोग होने की संभावना है। हृदय रोग में क्या होता है बेटा, अपने जो शरीर में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो वसा जाकर हमारी रक्त वाहिकाओं में जम जाती है, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और जब ऐसा हृदय की रक्त वाहिका में हो जाता है तो हृदय रक्त का मार्ग अवरुद्ध होते ही हार्ट अटैक हो जाता है। और इसी तरह से डायबिटीज़ वगैरह की समस्या भी देखी जाती है। फिर संतुलित आहार के अंदर हमारे सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो उससे संबंधित रोग व्यक्ति को हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है जैविकीय कारक है वो है हार्मोन्स। बेटा हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र में आपने पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में उसे पिट्यूटरी ग्रैंड कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। ये हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, इनको अंतःस्रावी इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती है। ये जिस स्राव को उत्पन्न करती हैं वहाँ पर जो रक्त जाता है उस रक्त के अंदर घुलकर ही ये हार्मोन सारे शरीर में वितरित होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ये हार्मोन हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, हम लोग सामान्य ढंग से कार्य कर सकें। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं इन हार्मोन्स पर निर्भर है, जैसे कि महिलाओं के अंदर मासिक धर्म आना पूरी तरह से हार्मोन्स पर निर्भर है। अगर हार्मोन मान संतुलन होगा तो मासिक धर्म भी अनियमित हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमारे किशोरावस्था के दौरान हार्मोन कितने स्रावित होते हैं, जो हमारे नारियों में, नारी और पुरुष में अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन के
सही संतुलित प्रभाव पर निर्भर करेगा कि हमारी जो लैंगिक विशेषताएं हैं, लैंगिक विशेषताएं लड़के और लड़कियों में किशोरावस्था में भिन्न भिन्न, हमारे शरीर की आकृति भिन्न हो जाती है, लड़कियों के अंदर मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है और लड़कों के अंदर उसकी आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछी आना, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन से नियंत्रित क्रियाएं हैं। तो अगर हार्मोन या हमारी जो हार्मोन स्रावित करने वाली विभिन्न ग्रंथियां हैं, यह सही ढंग से कार्य करेंगी तभी हमारा विकास सामान्य हो पाएगा। थायराइड ग्रंथि है, उसका होता है, उसमें एक हार्मोन होता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे अति अति अत्यधिक मात्रा में हो गए तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर सही ढंग से कार्य कर पाता है, तो इनके असंतुलन की वजह से भी ये विकास हमारा प्रभावित होता है। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आप सब जानते हैं बेटा, कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ेगा तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, वो अपने साथियों से हमेशा पिछड़ा रह जाएगा। औरों की लंबाई बढ़ गई, मेरी लंबाई नहीं बढ़ी, तो बालक में हीन भावना भी आती है, दूसरे लोग भी उसको बड़े हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ये सारे कारक, एक तो उसकी बीमारी उसकी वजह से उसका वो नहीं हो रहा, प्लस उसके आसपास का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है वो इतना ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर सारे प्रभाव मिलकर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उसका विकास इससे प्रभावित होता है। अगला कारक है बच्चों हमारा सीखने के अवसर और अभ्यास। हम कोई भी कार्य कैसे सीखते हैं बच्चों? सीखने के कुछ तरीके होते हैं, या तो कोई हमें सिखाए तब हम सीखेंगे, तो उसको हम कहेंगे वो हमें प्रशिक्षित कर रहा है, तो कहते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना। दूसरा होता है हम किसी का अनुकरण करके सीखते हैं, किसी को हमने करते हुए देखा और हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमने नहीं, अगर कोई हमें नहीं सिखाए, हमें नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, बार बार हमें जब आवश्यकता पड़ेगी हम ट्राई करेंगे, फिर कुछ गलती करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, उसको कहते हैं भूल एवं प्रयास विधि। मतलब व्यक्ति ने प्रयास किया, कुछ गलती हो गई, फिर वापस पुनः करता है, तो ये तरीका भी सीखने का होता है। अब हम लोग कैसे कोई भी चीज़ सीख सकते हैं? कोई भी बालक को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। आप जैसे अवसर उसको देंगे वैसा ही बालक का विकास होगा। ऐसा क्यों होता है कि म्यूजिशियंस के घर में बच्चे जो होते हैं वो भी म्यूजिशियंस होते हैं? क्यों? उनका वातावरण ऐसा होता है, उनको सीखने के अवसर मिलते हैं, उनको वाद्य यंत्र बजाने का अवसर मिलता है। सामान्य घरों में ये सब नहीं होता है। आपकी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपकी साइकिल चलाना सीखने की आयु हो गई है, लेकिन अगर आपको अवसर नहीं मिला तो आप सब चलाना सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे। इस अवस्था, जिस अवस्था में आप हैं, आप सब लोग सक्षम हैं गाड़ी चलाने में, ड्राइव कर सकते हैं आप लोग फोर व्हीलर को, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? जिनको अवसर मिलता है वो सीख लेते हैं। अवसर के बिना बेटा हम कभी भी कोई भी कार्य नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता सीखने के लिए कि सीखने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर नहीं मिला तो बाल, और अगर वो कुछ सीखेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होगा? विकास क्या है? सीखने की, सीखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है विकास का। उसी के आधार पर हमारी क्रियात्मक क्षमता बढ़ती है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक क्षमता बढ़ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी चीज़ है अभ्यास, अभ्यास के अवसर भी मिलना। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे, उसका सुदृढ़ीकरण हो जाता है, पक्का हो जाता है। आप सोचिए, जब आप छोटे थे आपकी माँ आपको सिखाती थी दांतों में ब्रश करना, ब्रश करना सिखाते हैं जब आरंभ में, तो बेटा आगे के दांत को करो, पीछे के दांत को करो, दांत के पीछे करो, अब ब्रश को ऐसे लेके जाओ। फिर उसको हमने आत्मसात करना शुरू किया, हम धीरे धीरे देखते थे कि इस कोने में भी हो गया, और अब आपकी स्थिति क्या हो गई है कि आप बिना, आपका दिमाग कहीं और होता है और आप ब्रश कर लेते हैं पूरे मुंह को। तो क्योंकि ये हमारा इतना सुदृढ़ हो गया है कार्य, अभी मैं आपको लेक्चर देती हूँ क्लास के अंदर, आप धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपने बचपन में उसकी इतनी पुनरावृत्ति करी थी लिखने की, सीखने की, कि अब आप आराम से उस कार्य को बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं, तो आपका वो सुदृढ़ हो गया है कार्य।
तो अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। सीखने का अवसर मिलने के साथ साथ अभ्यास के अवसर भी मिलने चाहिए, और व्यक्ति में खुद में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैं बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करके अच्छी तरह सीखूं। और प्रशिक्षण का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, प्रशिक्षण होगा तो हमारा सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिले तो भी बच्चा क्या होगा, उसने दो तीन बार ट्राई किया नहीं कर पाया तो वो छोड़ भी सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वो है प्रेरणा, प्रेरक वातावरण, जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्रेरणा और उचित समय पर प्रेरणा देना आवश्यक है, तभी बालक का सही ढंग से विकास हो पाएगा, कोई भी कार्य वो तभी सीख पाएगा, तभी उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो प्रेरणा भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बेटा मैं यहाँ पर नहीं लिख पाई हूँ लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर बालक के विकास को परिवार प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में सबसे उसके निकटस्थ जो है वो क्या है, परिवार है। परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है, बालक का जन्म वहीं पे होता है, जो कुछ वो सीखता है जीवन भर में उसकी नींव परिवार के अंदर ही रखी जाती है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, रूसो ने लिखा है, मैं आपको उनकी परिभाषा सामने लिखी हुई है, देखिए कि शिक्षा में, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है और बालक को सबसे अच्छी शिक्षा परिवार ही दे सकता है, और ये एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब बालक जब जन्म लेगा तो परिवार में तो होगा ही, तो प्राकृतिक रूप से उसको उपलब्ध है, इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हमें। तो ये सहज सुलभ साधन है जहाँ पर बच्चे की ट्रेनिंग होती है, और परिवार सबसे महत्वपूर्ण कारक है जन्म के बाद जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। फ्रॉवल एक और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी घर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, और ये जो हमें घर में अनौपचारिक शिक्षा मिलती है यही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है, ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करेंगी। अब परिवार के विभिन्न घटकों को अगर हम देखें, कौन कौन से, जैसे माता पिता, माता पिता में भी बेटा सबसे सर्वोपरि स्थान होता है माँ का, माँ के साथ बच्चे का जो जुड़ाव होता है, लगाव होता है, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है उसको अपनी माँ से, जो बच्चे की केयर करता है हर वक्त, उससे माँ बच्चे का अटैचमेंट, ये अटैचमेंट जो होता है ये वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के विकास में, मनोवैज्ञानिक विकास में। जो बालक इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं, जैसे जो बच्चे बेटा अनाथ आश्रम वगैरह में रहते हैं, संस्था में रहते हैं, उनके लिए केयर टेकर कौन होते हैं, बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, तो उनको किसी एक से जुड़ाव हो ही नहीं पाता, लगाव नहीं हो पाता, तो उन बच्चों में बहुत से व्यक्तित्व से संबंधित समस्याएँ देखी गई हैं आगे, और मतलब जैसे वो नए लोगों से संबंध नहीं बनाना जानते हैं, और उनमें वो हमेशा भयभीत रहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है उनकी सबके प्रति, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो माता पिता जो होते हैं, माँ सबसे पहली, फिर पिता, माँ पिताजी बालक का कैसे पालन पोषण करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एरिक्सन ने बताया था, कैसे उसके अनुभव रहेंगे इस पर निर्भर करेगा कि उसकी जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा। माता पिता का बालक के साथ संबंध कैसा है, उसके साथ व्यवहार कैसा है, प्रेम स्नेह से रखेंगे तो बालक का विकास अच्छा होगा, तिरस्कृत करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, दूसरे बालकों से तुलना करेंगे तो उसके मन में कुंठा आएगी और उसका विकास अच्छा नहीं होगा। भाई बहन कितने हैं, कैसे हैं, भाई बहन के साथ बालक का संबंध कैसा है, ये सब कारक भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कोई खेल एकाकी रह जाता है बालक तो भी उसमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, इकलौते बालक के ऊपर माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से परिवार का आकार कैसा है, छोटा परिवार है तो बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, लेकिन दूसरों के साथ समायोजन करना, सबके साथ एडजस्ट करना, ये बालक का सीखना मुश्किल होता है। बड़े परिवार के अंदर ये चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन वहाँ पर उनको कुछ चीज़ों से वंचित भी रहना पड़ता है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक पहलू होते हैं, तो हर कारक परिवार से जुड़ा हुआ बालक के ऊपर प्रभावित करता है। उसकी पालन पोषण की विधि कैसी है, बच्चे को
कैसे पालन पोषण, जैसे अनुशासन की तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, प्रजातांत्रिक तरीका है जिसमें बालक को भी बोलने का अवसर होता है, बालक या उसके ऊपर प्रभु सत्तात्मक है कि भी सत्ता माता पिता की, हम जो कहेंगे वही होगा, नहीं कहना मानेंगे तो उनको सजा दी जाती है, वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। तो ऐसे वातावरण में बच्चे कुंठित हो जाते हैं और उनका व्यक्तित्व में और भी नकारात्मक होते हैं, या तो वो विद्रोही हो जाएंगे या वो दब्बू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसके विपरीत बिल्कुल कभी कभी ऐसे होते हैं, माता पिता बिल्कुल छोड़ देते हैं, बच्चा तो भैया भगवान का रूप है, अब क्या करें, बच्चा ऐसा ही रहता है, बच्चा ऐसे ही करता है। अगर बिल्कुल उसको ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे बालक जो होते हैं उनके भी बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं, और किसी का नियंत्रण ये फिर बाद में बर्दाश्त नहीं करते और मार्ग से भटक जाते हैं। परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है? अच्छा सुखद वातावरण है? हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं? किस तरह का वातावरण है? इसका प्रभाव भी जो बालक घर में रह रहा होता है उसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है, ये आप लोग भी समझते हैं। फिर परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अगर परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत निम्न है तो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जल्दी उत्तरदायित्व लेने में सक्षम हो जाते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर अगर उच्च वाला है तो बालक की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसका विकास बहुत अच्छा होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, बौद्धिक विकास, क्योंकि उसको अवसर भी सब तरह के बहुत मिलेंगे तो बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक अगर ध्यान दिया जाए तो वो संपूर्ण रूप से अच्छी तरह विकसित होंगे, नहीं ध्यान दिया जाए तो इन बच्चों में उत्तरदायित्व लेने की कमी देखी जा सकती है। बच्चों अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे विराम देती हूँ और अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूँगी।